30 दिसंबर 2022 ये तारीख शायद ही कोई भूल पाएगा। जिस वक्त लोग नए साल का आगाज करने की तैयारियां कर रहे हैं, जिस वक्त लोग पुरानी सभी कड़वी यादों को भूलकर आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, उस वक्त ऐसी तीन खबरें एक साथ आईं जिसने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया। जाते जाते साल 2022 एक साथ कई सारी बुरी खबरें देकर गया। जी हाँ, शुक्रवार सुबह तीन ऐसी दुखद खबरें सामने आईं जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। ऐसा कहा जाए कि 30 दिसंबर को सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा तो गलत नहीं होगा। अब देखिए ना, शुक्रवार की सुबह ही दुखद खबर के साथ हुई। जिस वक्त लोग सोकर उठे, हर तरफ पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन की खबर के चर्चे थे। 100 साल की उम्र में हीराबेन इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। बुधवार को हीराबेन को तबियत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सभी को उम्मीद थी कि वो सकुशल वापस लौटेंगी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक तरफ इस खबर से पूरा देश दुख में डूबा ही था कि इसी बीच दुनिया के महानतम फुटबॉलर्स में से एक पेले की मौत की खबर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, गुरुवार को पेले का 82 साल की उम्र में निधन हो गया, लेकिन इसकी जानकारी शुक्रवार सुबह मिली। पेले की बेटी ने इस बात की जानकारी दी कि फुटबॉल का जादूगर अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर जैसे ही शुक्रवार सुबह फैंस को मिली, हर कोई दुखी हो गया। ज्यादातर फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलने वाले पेले को दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर कहना गलत नहीं होगा। तभी तो हर कोई कहता है कि पेले जैसा खिलाड़ी शायद ही आने वाली सदियों तक पैदा ना हो। मोदी की मां और पेले के निधन के बाद शुक्रवार को तीसरी बड़ी और बुरी खबर खेल जगत से सामने आई। दरअसल ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनको गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है यह हादसा रुड़की लौटते समय रुड़की के गुरुकुल नारसन क्षेत्र में हुआ। पंत की कार पूरी तरह से डैमेज हो गई है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं ऋषभ पंत की और उनकी गाड़ी की, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये हादसा कितना भीषण था। भारतीय स्टार क्रिकेटर की कुछ फोटोज जो सामने आई हैं, जो वायरल हो रही हैं, उसमें उनकी गंभीर चोटें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। बता दें, 25 साल ऋषभ पंत की उम्र है। उनकी गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के बाद उनकी गाड़ी में आग लग गई, ये भी बताया जा रहा है। फिलहाल पंत को अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की माने तो ऋषभ पंत के पैर में गंभीर चोटें आई हैं और उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। इतना ही नहीं, पंत को मैक्स देहरादून रेफर कर दिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये तीन बड़ी और बुरी खबर 30 दिसंबर की सुबह जैसे ही सामने आई, हर कोई हैरान परेशान हो गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि 30 दिसंबर को दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा जो सालों साल भुलाया नहीं जा सकेगा, और यही वजह है कि इस वक्त देश शोक में डूबा हुआ है। फिलहाल ऋषभ पंत को लेकर दुआएं की जा रही हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस लौट आएं।